जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता उसे कोई नहीं मार सकता क्या होगी मूवी की कहानी कैसे होगी मूवी की शुरुआत बाहुबली दी कंक्लूजन के एंड में दिखाया गया कि महेंद्र बाहुबली भल्लाल देव को मार देते हैं लेकिन भल्लाल देव के पिता बिजल देव का एंड नहीं दिखाया है और देखा जाए तो बिजल देव ही मूवी के मेन विलेन रहे हैं क्योंकि उनके कैरेक्टर ने ही सब षडयंत्र रचे थे अपने बेटे को राज्य का सिंहासन दिलाने के लिए चाहे वो कटप्पा का अमरेंद्र बाहूबली को मारना हो या कामी को धोखा देना ये तो विजय देव का ही किया धरा था तो इससे पता चलता है कि वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं तो शायद अगले बात में उनके कैरेक्टर को महेंद्र बाहुबली से अपने बेटे की मौत का बदला लेते हुए स्टोरी आगे बढ़ाई जा सकती है नंबर दो कटप्पा का मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो अपने वचन पर हमेशा अमल करते हैं पर तो सोचने वाली बात यह है कि उनके कैरेक्टर की लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया हम बस यही देखते हैं कि वहाँ माहेशमती राजा के गुलाम है और उनके पूर्वजों के दिए हुए वचन के कारण वो हमेशा माहेशमती के गुलाम ही रहेंगे तो ये स्टोरी भी अपने आप में एक पहेली है कि ऐसा क्या हुआ था जो कटप्पा इतने वफादार है पर अगर कटप्पा को ही कुछ हो जाए तो माहेश मती और बाहुबली का क्या होगा क्योंकि मूवी में दिखाया गया है कि जब तक कटप्पा बाहुबली के साथ है उन्हें कोई नहीं मार सकता बाहुबली के अगले पार्ट में कटप्पा की हिस्ट्री दिखाई जा सकती है जैसे उनकी फैमिली उनके पास्ट से रिलेटेड कोई और इंसिडेंट मूवी के आगे आने वाली स्टोरी को बहुत इमोशनल इम्पैक्ट कर सकती है आपको याद होगा कि बाहुबली द बिगनिंग कटप्पा की इंट्रोडक्शन सीन में उनका सामना काबुल के शेख असलम खान से होता है जो कटप्पा की वफादारी को देख उन्हें कहते हैं कि कभी भी कोई जरूरत पड़े तो भूलना भी नहीं कि आपका एक दोस्त भी शेख असलम खान शेख असलम खान का कैरेक्टर सुधीर ने प्ले किया है और सभी जानते हैं कि सुधीर भी बहुत मशहूर एक्टर है तो उनके कैरेक्टर को बाहुबली के अगले पार्ट में यूज किया जा सकता है और शायद इसलिए कटप्पा और असलम खान का ये सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रखता है मूवी में बनलाल देव का एक बेटा दिखाया गया है जो शिवा के हाथों मारा जाता है पर सोचने वाली बात ये है कि बहनलाल देव की पत्नी का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं दिखाया गया है और शायद मूवी के डायरेक्टर राजा मौली ने ये स्टेप बहुत सोच समझ कर लिया है और वो बाहुबली के आगे आने वाले फिल्म में बनलाल देव की पत्नी या उनके एक बेटी और बेटी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकती हैं जो भरलाल की मौत का बदला लेने के लिए माहेश मतीराज वापस आ जाते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये स्टोरी भी ओवर इंटरेस्टिंग हो जाएगी तो आपको क्या लगता है बताएगा हमें कमेंट सेक्शन में हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक तो खुश रहें आंसर फ्री बाय